तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर एड्स। आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा और यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, आज की फ़ोटो एडिटिंग गाइस कुछ इस टाइप की होने वाली है। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे न्यू हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। एंड इस वीडियो में एंड तक बने रहना, तभी आपको एडिटिंग अच्छे से समझ आएगी। और इसमें मैंने जितनी भी स्टॉक पिक्चर PNG यूज की है उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है गाइज। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी मुझे आप फॉलो कर ले। मेरे इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइज, वहाँ पे से आप मुझे फॉलो कर ले। तो गाइज सबसे पहले आपको पिक्सआउट में कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड खोल लेना है। यहाँ पे मैंने गाइज इसमें थोड़ा वर्क पहले से ही कर दिया है, शेडो डाल दिया है, आपको वो डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये पहले से डाल दिया ताकि ट्यूटोरियल छोटा हो गाइस। तो ये बैकग्राउंड खोल लेने के बाद गाइस आपको अपना फ़ोटो ऐड करना है। सिंपली यहाँ पे मैं अपने मॉडल का फ़ोटो ऐड कर रहा हूँ। और आपको ऐड कर लेने के बाद थोड़ा थोड़ा इरेज कर लेना है जो भी आपका एरिया एक्स्ट्रा बचेगा। यहाँ पे मैं इरेज कर ले रहा हूँ गाइस। यहाँ पे मेरी इरेजिंग हो गई कंप्लीट। अब मैं सिंपली यहाँ पे कर दूंगा डन। और यहाँ पे मुझे फिर से जाना है ऐड फोटोज़ में। और आपको ऐड फोटोज़ में जाने के बाद यहाँ पे एक PNG ऐड कर लेना है। और ये ऐड करने के बाद हमें जाना है ब्लेंड टूल में, देन हमें स्क्रीन सेलेक्ट करना है और इसका साइज़ हमें थोड़ा बड़ा कर देना अपने पिक्चर में, और इसे थोड़ा सा टिल्ट भी कर देना है। और ये करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली डन कर देंगे गाइस। फिर से मैं जाऊँगा यहाँ पे ऐड फोटो के अंदर और एक और PNG यहाँ पे मैं ऐड करूँगा इंस्टाग्राम की। ये PNG को भी सेम टू सेम आपको वैसे ही एडजस्ट करके फिट कर देना है। और ये भी हमें कर लेने के बाद गाइस कर देना है डन। उसके बाद सिंपली हमें जाना है ड्रॉ टूल में, देन हमें कलर सेलेक्ट करना है और नाइप सेलेक्ट करके हमें इंस्टाग्राम के कलर का ये कलर डिग्रेडेशन कर देना है और सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें वो कलर सिंपली अपने टी शर्ट पर ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने वो कलर अपने टी शर्ट पर ड्रॉ कर दिया है गाइज। और इसके बाद आपको सिंपली डन कर देना है एंड आपको अपनी पिक्चर खोल लेनी है लाइट रूम में। तो लाइट रूम में पिक्चर खोल लेने के बाद आपको सबसे पहले जाना है लाइट सेक्शन में और आपके आपके फ़ोटो को एक्सपोजर को कर देना है -0.20 EV। देन आपके कंट्रास्ट को कर देना है आपको 4, हाइलाइट्स को कर देना है -10 और शेडोज़ को कर देना है 15। देन वाइट्स को हम यहाँ पे कर देंगे 40 और ब्लैक्स को भी मैं थोड़ा एडजस्ट करके 8-7 कर दिया हूँ। उसके बाद आपको जाना है टेम्परेचर सेक्शन के अंदर, देन आपको फ़ोटो का टेम्परेचर -4 कर देना है, टिंट +2, वाइब्रेंस +2 एंड सैचुरेशन को भी +2 कर देना है, टेक्सचर को 8 कर देना है, क्लैरिटी को 8 कर देना है, डीएच को 8 कर देना है एंड विंटेज आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें। यहाँ पे मैं अपने पिक्चर में -14 रख रहा हूँ। तो एडिटिंग हो चुकी है कम्प्लीट। चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज एंड वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी।